अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया भाई आपके अनदर व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर दे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मौसूल हो सके। आज हमारे पास कुछ मेहमान खसूसी आने वाले हैं। जी हाँ, तो आज फाइनली मैंने दे दिए हैं दोस्तों को इफ्तार पार्टी की दावत, तो उनके लिए कुछ तैयारी करते हैं। उम्मीद है उनका रोज़ा तो होगा ही। देखते हैं क्या क्या हमारे घर पर है, क्या चीज़ें लाने की ज़रूरत है, तो चलते हैं भाई वो चीज़ें उनके लिए पूरी करते हैं। तो भैया अभी हम आ गए हैं अपने गार्डन में। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैरायटीज़ मौजूद है फलों की। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की इफ्तारी में हम अपने दोस्तों को अपने बाग में से क्या क्या खिला सकते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास मौजूद है सदाबहार। आ हा हा, ये भी खा लेंगे, इनको फ्रूट चाट के ऊपर डाल के ये दे देंगे। अच्छा इसके अलावा यहाँ पे अमरूद है हमारे पास, अमरूद यहाँ पे छोटा सा होगा हुआ, ये देखिए आप, छोटा सा अमरूद, ये शुएब कायमे को खिलाएंगे हम। सही है, ये एक अमरूद हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ये अमलूक कहते हैं इसको, रेड कलर का टमाटर की तरह होता है। सही, यहाँ पर ये हमारे पास टमाटर है, ये अभी उगने वाला है। सही है, इसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ है वो आप देखना भूल गए, ये देखें आप, ये आप अंदाज़ा लगा लें किस चीज़ का दरख्त है। ये हमारे पास क्या है, पपीता। पपीता देखें उगे हुए, ये भी शुएब के लिए होगा इंशाल्लाह। ये देखें ज़रा माशाल्लाह, इसमें पपीते काफ़ी हद तक आ चुके हैं, लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा काफ़ी बड़े होने में। तो माशाल्लाह ये देखें, अब पपीता हमारा बड़ा हो चुका है काफ़ी। ये इसका एक दूसरा साथी है, लेकिन ये अभी तक वहीं का वहीं रह गया है, पर ये इसने ग्रोथ कर लिया माशाल्लाह और ये बढ़ गई है। हेलो आयशा, आयशा भाई अभी अभी सो के उठ के आइए, ये बिल्कुल बेखबर है कि क्या होने जा रहा है यहाँ पे। तो चलिए जी, मैं आपको दिखा रहा था कि हमारे पास कौन कौन से फल, कौन कौन से वैरायटीज़ हम मौजूद हैं फलों की। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ये देखें हमारे पास प्याज मौजूद है, अपने अपने घर के प्याज हैं हमारे भाई। ये छोटा सा मूसा का सदाबहार हो गया। इसके अलावा ये आप जो देख रहे हैं ये है अंगूर, ये अंगूर है हमारे पास और इसको अभी टाइम लगेगा काफ़ी। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा दूँ यहाँ पर, ये देखें हमारे पास बाग में क्या बन के आया है। ये देखें हमारे पास तरबूजा बन के आ गया है और इसको आज हम काटेंगे। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, ये देखें हमारे पास एक और चीज़ भी पड़ी हुई है यहाँ पे। ये क्या है भाई, ये क्या है, ये तो कुछ और लग रहा है मुझे, एक खरबूजा है। खरबूजा भी है हमारे पास, तरबूज भी है हमारे पास। आज सुबह हम पानी देना भूल गए हैं, तो सबसे पहले हम पौधों को दे देते। फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट कर लिए हैं और अब हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट चाट। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ हम कैसे फ्रूट चाट बना रहे हैं। आज एक स्पेशल किस्म का हम फ्रूट चाट बना रहे हैं, एक बिल्कुल नई रेसिपी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए जरा, ओए हो, ये देखे भाई, ये एक स्पेशल किस्म की रेसिपी हमारे पास आ गई है फ्रूट चाट की। इसके ऊपर हम डालेंगे आज मलाई, ये देखें आप, मलाई भी हमारे पास तैयार है। तो ये इसके ऊपर आ गई मलाई और ये हमारी बन गई भाई फ्रूट चाट की रेसिपी, बिल्कुल स्पेशल वीआईपी करके। A few moments later. इसका रोज सबसे पहले हम डाल देते हैं इसमें बनानास, बनानास और चीकू, ये तो मिक्स हो गए हैं। चलो भाई एक साथ आ जाओ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हमारी मेडियन ताइवान की छुरी गिर गई है, अब हम इसको दोबारा फिक्स करने की कोशिश करते हैं। कहाँ हमारे फ्रूट चाट बनने के बाद हम बनाएंगे चना चाट। चना चाट के लिए हमारे पास आलू बॉयल हो रहे हैं और उसके लिए हमारे पास सलाद भी आ गया है चाट के लिए, ये आप देख सकते हैं। और चना हमारे पास बॉयल पहले ही हो चुका है, तो अब हम बनाएंगे चना चाट भाई। तो हर चीज़ अलग अलग प्रोसेस में, अलग अलग डिपार्टमेंट में प्रोसेस हो रही है। पहले हमारे पास फ्रूट चाट बना, उसके बाद हमारे पास चना चाट बनने जा रहा था,
अब आखिरकार हम आ गए हैं, हमारे पास पकोड़े बनने जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ पकोड़े। ये देखिए हमारे पास पकोड़े वगैरह अभी बनेंगे, ये पहले इसमें आ चुके हैं। पकोड़े हमारे पास यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, कुछ हमारे पास आ गए हैं पहले ही, तो ये भी देखते हैं कि बन जाए तो फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये हमारे चीफ गेस्ट से, ये हमारे आज के मेहमान खुसूसी है मोहम्मद हंजला। हंजला हंजला, ये भाई हमारे मेहमान खुसूसी हैं। और इसके साथ है मिस आयशा। आयशा आयशा, क्या खाया भाई तुमने, क्या खाया? वे ये बटन नहीं खाना, बटन नहीं खाना भाई, तुमने क्या खाया? ये हमारे भाई हंजला है, मोहम्मद हंजला हमारे नए मेहमान है, और ये आज से हमारे व्लॉगिंग में आएंगे, आपको नजर आएंगे जी। तो भाई हमारे पास 10 मिनट है अभी नमाज में, असर की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद दोस्तों का वेट करते हैं, वो आते हैं तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ये भाई आज काफले पहुंच चुके हैं हमारी दरबार पे। सलाम अलैकुम, क्या हाल है जानी? मजे में हंजला भाई, कैसा लगा आपको आगे? तो बोला था कि तूने अच्छा लगा। सलाम अलैकुम, वेलकम। ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलो भाई अफ्तारी खोलो, ये बंदा इसका रोज़ा है ही नहीं, है ही नहीं, चलिए तो ये खोल नहीं रहा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अरे दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी लका कसम, अल्लाहुम्मा इन्नी लका कसम, तू अभी कामन तो आले के तवक्कल तो आला रस्की कफ्तर। चलो भाई आज 10 मिनट बाद क्या हुआ, पार्टी चेंज कर लिया है? पार्टी बदल लिया। चलो भाई खा लो खा लो, तेरे लिए ये चीज़ थी, ये खा ले पहले, खा ले टाइट है। ओए 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 ओए। भाई कैसा लग रहा है आपको? गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तुम लोग की नहीं, मैंने मेहनत की थी आज, ये सारी ये मेरी मेहनत है, ये मैंने बनाई है, ये जरूर ट्राई करना है, इसका जरा मुझे रिव्यू कर रहे हैं तुम लोग। सही है, ये चाट भी बनाई है, बस तुम लोग फिर मेरी क्या याद रखोगे? एक दो साल पहले भेजा कर लेता, ये कोई और बना रहा होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या कर लेता मैं? अगर यही मेहनत एक साल पहले कर लेता ना, हाँ ये सब कुछ चला कोई और बना रहा होगा भाई। तो वो मेहनत अभी करनी है, अभी 3-4 महीने है उसमें। ये क्या चमक रहा है भाई आपके फेस पे? नूर निकल रहा है, नूर निकल रहा है मोबाइल से आपके, नूर का भाई।